उत्तर मेधा कनेटकर सिपेंडर महाविद्यालय कृषिबाग महानागपुर में एसोसिएट प्राध्यापक तथा प्लेस फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च के कोऑर्डिनेटर करके काम कर रही हूँ। दोस्तों बहुत साल से 10 साल से मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत सारे वर्कशॉप्स ले चुकी हूँ। इससे मुझे मेरे ध्यान में ये बात आई कि हर एक स्टूडेंट को हर एक रिसर्चर को रिसर्च का एक लोड रहता है और रिसर्च करने के लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठता है। एमबीए के स्टूडेंट से, एमकॉम के स्टूडेंट से, एमफिल के स्टूडेंट से और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिसर्च ये एक बहुत ज्यादा एक भयानक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है और वो उससे डरने लगते हैं। तो दोस्तों रिसर्च की जर्नी आसान करने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, रिसर्च पायोनियर्स करके एक हमारा यूट्यूब चैनल हमने खोल के रखा है और वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिसर्च के बारे में सब जानकारी मिलेगी और रिसर्च कैसे करना चाहिए ये भी आपको यहाँ पे मालूम होगा। जैसे कि मेरे वर्कशॉप में मैं हमेशा एनर्जाइजर लेती हूँ, कोई भी काम करने से पहले वो काम क्यों करना चाहिए ये हमें समझना चाहिए और उसके बारे में एक स्टोरी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उसका स्टोरी का नाम है वर्कलोड, कि हमेशा हमें जो वर्कलोड मिलता है या कोई हमको देता है वो वर्कलोड होता है क्या, उसके लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि सभी को एक क्रूज दिया हुआ है, वो वर्कलोड है उनका और वो अब उनको लेके जाना है जहां तक उनका गंतव्य स्थान बताया गया है वहां तक उनको ये लेके जाना है। लेकिन ये एक येलो जर्सी में आपको एक दिख रहा होगा बंदा, उसको लगता है कि मुझे ही बहुत ज्यादा काम दिया गया है और बाकी लोगों को जो लोड दिया गया है वो बहुत कम है, मेरा ही लोड ज्यादा है, इसलिए वो बहुत मायूस रहता है, बहुत उदास रहता है और अपना काम बहुत उदासी से करता है। वो आजू बाजू में देखता है तो कोई उसके आगे है, कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई उसके साथ में चलता है, लेकिन फिर भी वो यही सोच रहा है कि बाकी सबका जो वर्कलोड है वो बहुत कम है और मेरा जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। और वो सोच सोच के एक दिन उसके मन में आता है कि वो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान लॉर्ड इट्स टू हेवी प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग कट करते हैं, थोड़ा सा मेरे वर्कलोड का अगर आप कम करते हो तो एक मुझे आसानी होगी। अब देखिए भगवान तो कुछ करता नहीं है, जो भी करता है वो अपना खुद आदमी खुद करता है, तो उसने आरी ली और पूरा जो वर्कलोड दिया गया था उसमें से थोड़ा सा भाग उसने काट दिया और काटने के बाद उसको पता चला कि हाँ थोड़ा सा ये हल्का हो गया है और मैं इसको उठा सकता हूँ और वो थोड़ा सा खुश होके उसको उठा के लेके जा रहा था। फिर भी उसको पता चला कि कोई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसके आगे चल रहे हैं, तो वो देखने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं इनका वर्कलोड मेरे से कम है इसलिए ये लोग ज्यादा जल्दी आगे जा रहे हैं और मेरा वर्कलोड ज्यादा है इसलिए मैं उसके उनके पीछे हूँ। फिर वो फिर से भगवान को प्रार्थना करता है कि लॉर्ड प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर, और इसलिए फिर से भगवान कुछ करेगा नहीं, खुद से ही आरी लेके उसने वो वर्कलोड जो है कम करने की कोशिश की और उसको काट डाला। और काटने के बाद अब उसको एकदम अच्छा लग रहा है और वो बोल रहा है कि लॉर्ड थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उसका वर्कलोड जो है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हल्का हो गया था। अब वो बिल्कुल सीटी बजाते हुए बिल्कुल खुशी खुशी आगे जा रहा है और आगे जाते जाते वहां पे एक उसको खाई लगी और वो खाई अभी कैसे पार किए जाए, वो सोच ही रहा था कि बाकी के पीछे के लोग आए जिन्होंने अपना वर्कलोड पूरा किया था, उनके कांधे पे उनका वर्कलोड था, वो खाई पार करने के लिए उन्होंने वो खाई में डाला और वो वहां से निकल गए। जिसने कम किया था, हमारे ये दिल्ली जर्सी वाले बंदे ने जो कम किया था वर्कलोड, वो अब सोच रहा था कि वहां से कैसे जाए, क्योंकि वो जो खाई आई थी उसको पार करने के लिए उसने जो वर्कलोड था वो खुद ने कम किया था, इसलिए सब लोग आगे जा चुके थे और वो पीछे था। हमारे रिसर्च में भी ऐसे होता है, हम लोग
रिसर्च में कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, और जो टाइम पीरियड हमको दिया गया रहता है वो टाइम पीरियड में हम लोग काम कंप्लीट नहीं करते, और इसकी वजह से हम लोग बाकियों के पीछे रह जाते हैं। हमको लगता है कि हमारा ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेवी हो गया है, हमें ही बहुत ज्यादा काम मिला है, और हमारा जो गाइड है वो हमें कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो क्या करता है, अपना वर्कलोड कम करने की कोशिश करता है, और जो वर्कलोड कम करता है उसका फिर आगे जाके प्री सबमिशन वाइवा या पीएचडी का ओपन वाइवा में थोड़े से उनको तकलीफ होती है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपको वर्कलोड दिया गया है उसको कम करने की कोशिश मत करिए, ताकि उसको हम लोग अगर कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो जो भी हमको काम दिया गया रहता है उससे हमको समाधान भी मिलता है और यश भी मिलता है। सो डोंट आस्क फॉर लाइटर लोड बट प्रे गॉड फॉर स्ट्रॉन्गर बैक, डोंट टेक एनी शॉर्टकट इन योर लाइफ। इसी के साथ हम लोग रिसर्च प्रोसेस शुरू करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्या होता है। देखिए, हमेशा हमें रिसर्च तो करना रहता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट पे रिसर्च करें ये हम लोग कभी सोच नहीं सकते, या उसको ढूंढने में हमको आसानी नहीं होती, हम किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस के सम इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि पहले तो है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये आपने जो सब पॉइंट्स है वो रिसर्च प्रोसेस में कवर करने हैं। उसमें से पहला जो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम, ये हम आज यहाँ पे देखेंगे कि इन द वेरी बिगिनिंग द रिसर्चर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द एरिया, फील्ड, एस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रियालिटी इन विच ही और शी वॉन्ट्स टू अंडरटेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। एट दिस स्टेज द फॉलोइंग कंसिडरेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट इज फर्स्ट इज रिलेवेंस, सेकेंड इज फिजिबिलिटी, एंड थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये सब क्या है ये हम लोग सोचते हैं, अभी देखते हैं कि हमें जो सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक लेना है वो टॉपिक कैसे लेना है, उसके लिए ये तीन पॉइंट मैंने बताए हैं, रिलेवेंस, फिजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। एक एक करके देखते हैं। पहला है रिलेवेंस ऑफ द रिसर्च। देखिए, व्हाट इज रिलेवेंस, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च वर्क फॉर द डिसिप्लिन इन विच इट इज अंडरटेकन एंड वेरियस अदर अलाइड डिसिप्लिन्स विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेयरिंग ऑन इट। Sponsoring organizations on behalf of terms of its possible outcome, especially from standpoint of their utility in offering the solution of its burning problems, adversely affecting the life of living of its people. देखिए, लोगों के लिए हम रिसर्च करते हैं, समाज के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। कोई एक ऐसा प्रॉब्लम जो एक बर्निंग प्रॉब्लम है, जो एक सॉल्यूशन देगा सोशल समाज को, उसके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी देखिए, कोरोना का काल चल रहा है, कोविड पे लस निकालने के लिए हमारे लैब्स में कितने लोगों ने रिसर्च करने के लिए कितना टाइम दिया है, क्योंकि एक बहुत बर्निंग इश्यूज है जो हमारे सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो रिलेवेंस क्या है कि ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो समाज के जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व करने के लिए ही हमने उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसको बोलते हैं रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम खड़ा किया गया है या खड़ा हो गया है उसे सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम हटाने के लिए मदद करेगा। इफ द रिसर्च इज एम्पिरिकल, अगर प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस पे कर रहे हैं, इज एम्पिरिकल इन नेचर, हाउ आर द रिस्पोंडेंट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑन इट्स कंप्लीशन, ये बहुत जरूरी है रिलेवेंस के लिए कि कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें बेनिफिशियरी होंगे, ये हमें देखना जरूरी है। अब अगर थ्योरेटिकल ये रिसर्च है,
It is a theoretical research conducted by making use of document resources only. Then how the research outcome going to contribute to the personal knowledge of the researcher and the fund of knowledge already existing in the field. जो रिसर्च फील्ड में ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्टिंग करता है एग्जिस्ट करता है उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है या हम क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ये भी रिलेवेंस थ्योरेटिकल रिसर्च में देखा जाता है जो सेकेंडरी डेटा के ऊपर हम लोग करते हैं। अगर वहां पे इंपिरिकल रिसर्च है तो वहां हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम लोग फील्ड में देखते हैं, हम लोग फर्स्ट हैंड डेटा वहां पे देखते हैं। और अगर ये सेकेंडरी डेटा के ऊपर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं तो उसके उसमें नॉलेज फंड में हमने क्या कंट्रीब्यूशन करना है इसका रिलेवेंस देखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है फिजिबिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी टू गेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन which the researcher wants to collect from the field and or document resources. Field से या document resources से हम क्या information gather करना चाहते हैं इसको बोलते हैं feasibility। और जो feasibility में देखिए कुछ ऐसे topics होते हैं जहां से हमें information जल्दी मिलती नहीं, rather वो वहां से information मिलने की शक्यता ही नहीं रहती। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है तो हम लोग जाके वहां से इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे ये अल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हो गया, इनके बारे में अगर हमको रिसर्च करना है तो हमें वहां से इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ओपनली अपनी जो गलती है या अपनी जो प्रॉब्लम्स है ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना नहीं चाहेगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जनरली सीन दैट रिसर्च रिलेटेड टू मॉरल इश्यूज लाइक करप्शन, ब्लैक मनी, स्मगलिंग, सेक्सुअल वर्कर्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेविएशंस विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स डज नॉट frequently fruitfully because no one publicly wants to confess one's participation in any kind of devices as it is likely to put in danger the personal image of the participant as such. इसीलिए उसकी feasibility नहीं रहती और हमें वो program या हमें वो research topic ही cancel करना। तीसरी बात है कंट्रीब्यूशन टू एडवांस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज यहाँ पे है उसमें हम लोग क्या एडवांसमेंट कर रहे हैं। विच इम्प्लाइज द रोल दैट द प्रपोज्ड रिसर्च अंडरटेकन इज गोइंग टू प्ले इन मेकिंग फर्दर एडवांसमेंट इन द फंड ऑफ नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल थ्रू अदर रिसर्चर कंडक्टेड इन द एरिया अर्लियर एंड फर्दर। हाउ इज द प्रेजेंट रिसर्च गोइंग टू प्रूव और डिसप्रूव the funding of similar researchers conducted in the area through the process of validation. जो रिसर्च पहले हुए थे उसको हम प्रूव या डिस्प्रूव कैसे करते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आप देखेंगे अभी मोबाइल कंपनीज है, बहुत सारे आईटी कंपनीज है जो काम कर रहे हैं, हर दिन हमें नया कुछ वहां पे इनोवेशन हुआ हुआ दिखता है, क्योंकि जो पुरानी जो मेथड है उसमें जो गलतियां थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आती है और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ के नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। पहले टीवी हम लोग देखते थे, बहुत बड़ा टीवी हम लोग अपने घर में लाते थे, आज हम देखेंगे टीवी रखने के लिए हमको जगह की जरूरत रहती थी, एक जगह हमको फिक्स करनी पड़ती थी, आज हम देखेंगे एक दीवार पे हम लोग टीवी टांग देते हैं और एक आईने की तरह उसका यूज करते हैं, तो एक फ्रेम की तरह उसका यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। इसलिए कंट्रीब्यूशन इन एग्जिस्टिंग नॉलेज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज डिटेल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विच इंक्लूड्स फर्स्ट स्टेप इज स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स वहां पे फ्रेम करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं।
इसलिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना ये भी बहुत एक जिम्मेदारी का काम रहता है, और अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके अच्छे से फ्रेम हो गए तो आपका रिसर्च एकदम स्मूथली वहां पे कंडक्ट होगा। देन आपको हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना है, उसके लिए भी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस ऑल्सो ऑपरेशनल डेफिनेशंस वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स इज टू बी यूज इन कोर्स रिसर्च मस्ट बी क्लियरली स्पेल्ड आउट बिकॉज दे मे बी फॉर्मिंग इन द वेरी फाउंडेशन ऑन विच वेरियस रिसर्च टूल्स विच वी डेवलप इन कोर्स ऑफ रिसर्च टाइम। सो थर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ द स्टडी, कहाँ कहाँ पे हमारे स्टडी का स्कोप है उसका भी डिस्क्रिप्शन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्चर के पास एफर्ट्स टाइम एंड मनी इसका बहुत कमाल से उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो रिसर्च के पहले ही फेज में अगर हम खर्च कर देंगे तो फाइनल रिपोर्ट तक हमारे पास पैसा बचता नहीं है। फंडिंग एजेंसीज भी हमें वही सोच के पैसा देती है, इसलिए टाइम एंड मनी का सोच के हमको स्कोप ऑफ स्टडी वहां पे लिमिटेशंस करनी पड़ती है। देन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट सैंपल साइज हमको करना पड़ेगा, कवरेज इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, कौन से एरिया में जाके हमको रिसर्च करना है, कितने लोगों को या रिस्पोंडेंट्स को हमें यहाँ पे मिलना है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनसे क्या हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, इस सब के बारे में हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक रिसर्च डिजाइन करेंगे। व्हाइल सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक प्रॉब्लम वन मस्ट कंसिडर दैट रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी ऑन यूर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट का अगर टॉपिक नहीं होगा तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। यूजफुल फॉर द पीपल वर्किंग इन दैट एरिया ऑफ रिसर्च, जो वो रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, नॉवेल्टी होनी चाहिए उसमें, एंड सम एप्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च इन द फील्ड ये भी वहां पे होना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करते समय क्या क्या बातें देखनी है, हमें इंटरेस्ट देखना है, इनोवेशन होना चाहिए, नॉवेल्टी होनी चाहिए, एंड रिसर्च में कुछ वहां पे इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी वहां पे होनी चाहिए। अब हमारे प्रॉब्लम का हमें टाइटल फॉर्मेशन करना है। टाइटल फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। इफ टाइटल इज परफेक्टली फ्रेम्ड द होल प्रोसीजर ऑफ रिसर्च वर्क फिनिश्ड स्मूथली। सो टाइटल इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अगर हमारा टाइटल एकदम से परफेक्ट हो जाता है तो ही हम वहां पे हमारा रिसर्च स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए आपका जो टाइटल है वो आपके रिसर्च के जो अंदर आपने मैटर दिया हुआ है उसके लिए एकदम से परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अंदर का मैटर अलग है और आपने दिया हुआ जो टाइटल है वो अलग है, तो पूरा रिसर्च यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए टाइटल फॉर्मेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन शेयरिंग एंड एक्सीलेंस, टाइटल मेक्स यूर जर्नी हैप्पी एंड इजी। सो टाइटल फॉर्मेशन के लिए आपको करना है एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जो आपने अपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जो आपने रिलेवेंस फिजिबिलिटी आपने ली थी, वही आपको प्रॉब्लम फॉर्मेशन में एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी रिलेवेंस क्या थी, आपकी फिजिबिलिटी क्या थी, और आपने कौन से एरिया के लिए या कौन से एग्जिस्टिंग नॉलेज के लिए आपका रिसर्च हाथ में लिया है, ये सोच के ही आपको टाइटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या क्या वहां पे सपोर्टिंग फैक्टर्स है टाइटल फॉर्मेशन में ये भी देखना जरूरी है, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए। जैसे कि हमको नागपुर शहर का अगर रिसर्च करना है तो वहां पे उसका पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एसेंशियल वहां पे हो जाएगा कि नागपुर सिटी में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका क्या वहां पे रिस्पांस है, और या जो लसीकरण अभी चल रहा है तो लसीकरण में नागपुर सिटी में कितने लोगों को फायदा हुआ या कितने लोगों को नुकसान हुआ, ये भी हमारा एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो टाइटल फॉर्मेशन में जो एसेंशियल मैटर्स है वो लेना बहुत जरूरी है। तो टाइटल का मीनिंग है एक जनरल डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जो वहां पे हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा एरिया हमने लिया हुआ है, कौन सा टॉपिक हो रहा है, कौन से टाइप से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इट मस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स, पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिसर्च स्टडी।
इसके लिए हम लोग टाइटल का रोल वहां पे एक करेंगे कि परफॉर्मिंग मेन आइडिया ऑफ द रिसर्चर, ये टाइटल का रोल होता है, क्योंकि टाइटल इट इज नॉट अ फिक्शनल, इट शुड बी द रियल एंड यूजफुल इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आज के समाज के लिए जो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये फिक्शनल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग रिसर्च करेंगे तो उसमें एब्रीवेशन, उसका फुल फॉर्म, उसका ग्रामर, वो सब देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट। इट इज लाइक अ होम और मेल एड्रेस, बिकॉज हर घर चुपचाप से ये कहता है कि इसके अंदर कौन रहता है। इसलिए वो टाइटल ही हमें बताएगा कि इसके रिसर्च में हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने क्या डाला है। तो इसलिए वो मेन एंट्रेंस है हमारे रिसर्च स्टडी का, इसलिए टाइटल फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स ईच वर्ड गिव्स यू डायरेक्शन, और रिसर्च टाइटल इज लाइक अ गाइड विच गिव्स यू राइट डायरेक्शन फॉर डेटा कलेक्शन। हमने क्या डेटा कलेक्शन करना चाहिए, इसके लिए वेरिएबल्स, ये जो वर्ड मैं अभी बता रही हूँ वेरिएबल्स, वो आपको टाइटल देगा। वेरिएबल्स क्या है, हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में देखने वाले हैं। सो ये फाउंडेशन है, टाइटल इज द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च बिल्डिंग। फाउंडेशन हम लोग टाइटल से तैयार करते हैं, एक डीएनए करते हैं हम लोग, जैसे जीन्स का डीएनए होते हैं वैसे एक रिसर्च का डीएनए यानी एक टाइटल होता है। कहीं पे भी आप रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे और उसका टाइटल लोग देखेंगे तो टाइटल से ही पता चलेगा कि आपने रिसर्च पे क्या क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे। इसलिए टाइटल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इट्स कंक्लूजंस। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द टाइटल्स। द टाइटल शोज द वैल्यू ऑफ योर रिसर्च, इट हेल्प्स इन वैल्यूएशन प्रोसीजर आल्सो। सो टाइटल कहां से मिलेंगे हमको, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल कहां से होगा, उसके लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है वो देखते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे मैं हर बार कोरोना की बात कर रही हूँ, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे टाइटल फॉर्मेशन में आना चाहिए। राइजिंग फॉर्मेलिटीज, कल्चरल चेंजेस, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द साइंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जो टाइटल में होने चाहिए। डूज एंड डोंट्स इन टाइटल फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कि डोंट टेक एनी फिक्शनल वर्ड इन द टाइटल, जैसे हेवन, हेल, प्रेपरेटरी जैसे वर्ड हो गए वो हम नहीं लेना है हमें। डोंट टेक एनी फॉल्स और सुपरफिशियल आइडियाज ऑन टाइटल, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, हम लोग कॉमर्स इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिक्स वेरिएबल्स, ये हो ही नहीं सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। अगर किसी को लगता भी है कि पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट में कोई गवर्नमेंट अगर बोलता है कि पूर्ण रोजगार हम लोग देंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई बंदा एक ऐसा निकलता है कि उसको काम देने के बाद भी वो काम करना नहीं चाहेगा, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहेगा। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट ये कंसेप्ट हम लोग सुपरफिशियल आइडिया करके मानते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। डोंट टेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग टाइटल, जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से हमको पता ही नहीं चलता कि क्या करने वाले हैं, या टू लॉन्ग, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ हेट्रोजेनियस रीजनल फैक्टर्स ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 2005 टू 2015। देखो बोलते बोलते ही दम हमको दम लग जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा टाइटल नहीं लेना है। डोंट यूज एब्रिवेशंस, कोई शॉर्ट फॉर्म आपको लेना नहीं है, जैसे ICICI हो गया पूरा आपको उसका टाइटल देना है, सेबी हो गया, IDBI हो गया, WHO जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लिखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमको टर्म्स दिए हैं उसको हम कोविड के इसमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल में कभी भी एब्रिवेशंस देना नहीं। Use words that create a positive impression or stimulate readers' interest. देखो कोई तो भी पढ़ रहा है आपको रिसर्च, तो आपका जो टाइटल है वो रिसर्चर के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करना होने चाहिए, उसको एक उत्तेजना देना चाहिए कि कैसे ये इसका रिसर्च में पढ़ू। इसलिए सब पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ना कि निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है। यूज करें नॉमिन कल्चर, जैसे नॉमिन कल्चर बदलते रहते हैं इंडिया में, तो बहुत सारे बदलते रहते हैं, जैसे नागपुर एयरपोर्ट का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा ऐसे हो गया है, तो उसको हम लोग वही जो करंट नॉमिन कल्चर है उसको करंट में ही यूज करेंगे, ना कि पुराना करेंगे। आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स,
बोथ इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये क्या है हम लोग इसके डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन वो टाइटल में आना जरूरी है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देती हूँ कि कोरोना की वजह से लोगों के आर्थिक जो व्यवहार है उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। अगर इसका हमको रिसर्च करना है तो कोरोना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि कोरोना के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो हो गई है क्योंकि कोरोना का इफेक्ट जो है बहुत सारे एरिया पे हो गया है, हेल्थ पे हो गया है, लोगों के इकोनॉमी पे हो गया है, लोगों के इमोशंस पे हो गया है, साइकोलॉजी पे हो गया है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, तो ये डिपेंडेंट हो गए हैं कि कोई एक फैक्टर से जो बदलाव आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है और जिसके ऊपर बदलाव हो रहा है वो डिपेंडेंट फैक्टर से। इसके बारे में डिटेल से जानकारी अगले वीडियोस में हम लोग देने वाले हैं। सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस। मेन रिवील हाउ द स्टडी विल बी ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले, एनालिटिकल स्टडी है, क्रिटिकल स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है, कोरिलेशनल स्टडी है, कैसी स्टडी है, ये भी आपको आपके टाइटल में देना है। यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विथ फर्स्ट द लास्ट एंड ऑल नाउन्स प्रोनाउन्स वर्ब्स एडवर्ब्स, ये सब आपको फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल लेना है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा जो रिसर्च पायनियर्स का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।